सोशल मीडिया पर इस वक्त पूनम पांडे और मिलिंद सोमन सुर्खियों में हैं। एक को अश्लील वीडियो शूट करने के लिए हिरासत में लिया गया तो दूसरे को जन्मदिन पर न्यूड पिक शेयर करने पर वाहवाही मिल रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर इन दोनों की अश्लीलता की तुलना की जा रही है और अब एक बहस छिड़ गई है कि अगर पूनम पांडे को दोषी बताया गया तो मिलिंद सोमन को क्यों नहीं। बता दें कि पूनम पांडे और उनके पति सैम बॉम्बे को गोवा कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन गोवा से बाहर जाने के लिए कोर्ट की अनुमति लेनी जरूरी है। सोशल मीडिया यूजर्स इसे भेदभाव का मामला बता रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि अगर पूनम पांडे को अश्लील वीडियो बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया तो मिलिंद सोमन पर ऐसा आरोप क्यों नहीं लगाया जा सकता। बता दें कि मिलिंद सोमन ने अपने 55वें जन्मदिन पर गोवा के बीच पर एक न्यूड पिक खिंचवाई थी जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। मिलिंद को इस फोटो पर उनकी फिटनेस के लिए वाहवाही मिली, लेकिन कुछ सोशल मीडिया यूजर्स को यह बात काफ़ी खटकी। इस बहस में डायरेक्टर अपूर्व असरानी का ट्वीट सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने लिखा कि गोवा में पूनम और मिलिंद दोनों ने एक ही स्ट्रिप किया, पांडे ने कम तो सोमन ने पूरा किया। अश्लीलता के लिए पूनम कानूनी पचड़े में फंस गई, लेकिन सोमन को 55 साल की उम्र में फिटनेस के लिए तारीफें मिल रही हैं। मुझे लगता है कि न्यूड महिलाओं की अपेक्षा न्यूड पुरुषों के प्रति ज़्यादा दयालु हैं। वहीं एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि मिलिंद सोमन को उसी काम के लिए तारीफें मिली, लेकिन पूनम पांडे के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई, इसलिए फेमिनिज्म जरूरी है। अगर कोई पुरुष अपनी त्वचा दिखाता है तो वह ठीक और कोई महिला दिखाती है तो वो गलत है। एक यूजर ने इसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बताया है। हालांकि बॉलीवुड की तरफ से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए ABV एंटरटेनमेंट।